सबसे पहला सवाल जो हमने इंडिया टुडे सी वोटर के सर्वे में पूछा नरेंद्र मोदी के बारे में, अगला बेहतर प्रधानमंत्री कौन? जब ये सवाल हमने पूछा तो 54.9% यानी लगभग 55% लोगों ने नाम लिया नरेंद्र मोदी का। राहुल गांधी 13.8% पर थे। अगला सवाल, अब तक का सबसे बेहतर प्रधानमंत्री कौन? इसका मतलब है आजादी के बाद से सबसे बेहतर प्रधानमंत्री कौन? 43.7% लोगों ने कहा नरेंद्र मोदी यानी 44%। वहीं अटल बिहारी वाजपेयी को लगभग 15.5% ने कहा, 11% ने मनमोहन सिंह को, तो 5% ने जवाहरलाल नेहरू को। यह भी आपको याद रखना होगा कि मौजूदा जो पीढ़ी है वो इतिहास के प्रधानमंत्रियों को कितना जानती है, नहीं जानती है। 5% लोगों ने जवाहरलाल नेहरू का नाम लिया। बतौर पीएम मोदी का प्रदर्शन इस पर शानदार कहने वाले 41.8% लोग थे, वहीं 18.7% कह रहे थे अच्छा, एवरेज औसतन कहने वाले लोग थे 11.7%, खराब कहने वाले 13.1% और 10.5% कह रहे थे बहुत खराब। तो ये नंबर्स भी पूरा इशारा करते हैं, अगर आप शानदार और अच्छा को मिला लें तो एक बहुत बड़ा हिस्सा संजय जी लगभग 60% के आसपास का ये कह रहा है कि काम को अच्छा, एवरेज को छोड़ दीजिए आप, अच्छा या शानदार कहने वाला 60%। अप्रूवल रेटिंग्स के तौर पर अगर इसे हम देखें तो 60% की अप्रूवल रेटिंग्स इसे कहा जा सकता है। मोदी को याद रखने की वजह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप क्यों याद रखेंगे? जब ये प्रश्न पूछा गया, बहुत दिलचस्प सवाल था ये, राम मंदिर निर्माण 42%, ये भी याद रखिए 15 दिसंबर से 28 जनवरी के बीच में ये 1.5 लाख लोगों के बीच का सर्वे है और ये वही वक्त था जब राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे देश में एक राममय माहौल बन गया था। तो शायद लोगों के रिकलेक्शन में द बैक ऑफ देयर माइंड सबसे पहली बात जो आ रही थी वो राम मंदिर थी। 42% लोगों ने कहा, क्योंकि सब ये जानते हैं कि 500 सालों के इंतजार के बाद ये राम मंदिर निर्माण होकर वहां प्राण प्रतिष्ठा हुआ है। वैश्विक स्तर पर देश की पहचान बढ़ाना 19%, अनुच्छेद 370 हटाना 12%, सर्जिकल स्ट्राइक 8.9%, नोटबंदी 6.3%, कोविड मैनेजमेंट 6.3%, भ्रष्टाचार से लड़ाई 5.4%। बहुत दिलचस्प आंकड़े हैं। अब आते हैं सरकार की सबसे बेहतर उपलब्धि आप क्या मानते हैं। ये नंबर्स बहुत चौंकाएंगे विपक्षी दलों को, क्योंकि सबसे ज्यादा यहां पर उपलब्धि के तौर पर याद रखेंगे राम मंदिर के लिए, लेकिन उपलब्धि मानते हैं कोविड से निपटना। 20% लोगों ने कहा कोविड से निपटना। यहां पर बटा हुआ मामला आप कह सकते हैं कई मुद्दों पर है। राम मंदिर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर 16.9%, भ्रष्टाचार मुक्त भारत 14.3%, अनुच्छेद 370 का हटना लगभग 11%, इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण 5.3% लोग ही कह रहे हैं। सरकार की सबसे बड़ी असफलता यानी नाकामी क्या है आपकी नजर में? महंगाई कहने वाले थे 23.7%, बेरोजगारी 17.7%, कोविड से निपटना 13%, विफलता भी मानते हैं। अगर सबसे बड़ी उपलब्धि 20% लोग मान रहे हैं तो 13% लोग विफलता भी इसे मानते हैं। वहीं आर्थिक विकास 12.6% और अल्पसंख्यकों में डर 5.2% इसे बड़ी नाकामी बताते हैं। देश की सबसे बड़ी समस्या, इस पर लोगों की राय है बेरोजगारी 25.9%, महंगाई 19.3%, गरीबी 7.4%, कृषि संकट 5.2%, भ्रष्टाचार 4.8%। देश की सबसे बड़ी समस्या लोग अभी भी बेरोजगारी, महंगाई, सबसे बड़ी नाकामी, समस्या, यही दो चीजें हैं जो सबसे ऊपर दिखाई देती हैं। सरकार ने भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई, ये सवाल पूछने पर 46.2% कहते हैं हाँ, वहीं 46.9% कहते हैं नहीं। ये आंकड़ा बहुत दिलचस्प है क्योंकि बटा हुआ है, बिल्कुल 50-50 का मामला है इस पे। सैयद जफर इस्लाम साहब, भ्रष्टाचार रोका, जितने हाँ कह रहे हैं उससे थोड़े ज्यादा ही कह रहे हैं नहीं, कह नहीं सकते वाले भी 7% थे। अब जो आखिरी के दो प्रश्न बचे हैं जो हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के और सरकार के इर्द गिर्द पूछे, बीजेपी सरकार क्या जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करती है, इस पर हाँ कहने वाले 46% 46% हैं, वहीं 37% कहते हैं नहीं, इस्तेमाल नहीं करते हैं, कह नहीं सकते 16.9% है। राम मंदिर निर्माण से हिंदुत्व को क्या बढ़ावा मिला है, हाँ कहने वाले 68.7%, ये आंकड़ा भी बहुत दिलचस्प है। क्या रिवाइवल हुआ है हिंदू धर्म का,
ये सवाल था दरअसल, उसमें लोगों का कहना है लगभग 69% 69% और वहीं नहीं कहने वाले 17.5% हैं, 13.8% कहते हैं कह नहीं सकते। आइए आगे बढ़ने से पहले जल्दी से आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखा देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राम मंदिर, महंगाई, बेरोजगारी, अप्रूवल रेटिंग्स और इसी के साथ पीएम जब ये कहते हैं कि मैं मोदी 3.0 में आकर ये करने वाला हूं, तो हैट्रिक के लिए वो कितने आश्वस्त है और क्या कह रही है इस पर इंडिया टुडे और सी वोटर की यह सर्वे रिपोर्ट। 7 महीने पहले जुलाई 2023 में प्रधानमंत्री ने पहली बार मोदी की गारंटी शब्द का इस्तेमाल किया। जुलाई में पहली बार नरेंद्र मोदी ने देश के सबसे बड़े कन्वेंशन सेंटर भारत मंडपम से ही अपने तीसरे कार्यकाल की भविष्यवाणी की। मेरे तीसरे कार्यकाल में आप अपने सपने अपनी आंखों के सामने पूरे होते देखेंगे। जुलाई में जो बात प्रधानमंत्री ने कही वो बात देश का मिजाज भी बताता है, जो कहता है कि अगर आज चुनाव हो जाए तो एनडीए को 44.4% वोट के साथ 335 सीट मिल सकती है, यानी एक बार फिर पूर्ण बहुमत की सरकार। इंडिया गठबंधन 38.3% वोट के साथ 166 सीट तक जा सकता है, यानी एक बार फिर विपक्ष की हार। और अन्य को 17.3% वोट के साथ 42 सीट मिल सकती है। देश की जनता का मिजाज मैं भली भांति समझ पाता हूं। देश का लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी पर भरोसा इतना बढ़ा कि 2014 से ज्यादा सीट अगर बीजेपी 2019 में पाई तो 2024 के चुनाव में जनता फिर तीसरी बार बीजेपी की सीटें घटाने के मूड में कतई नहीं। इंडिया टुडे के मूड ऑफ द नेशन सर्वे के मुताबिक बीजेपी अकेले अपने दम पर 39.6% वोट के साथ 304 सीट हासिल कर सकती है। कांग्रेस 18.9% वोट के साथ 71 सीट पा सकती है। अन्य पार्टियां 41% वोट के साथ 168 सीट तक जा सकती हैं। यानी देश की जनता अगर आज चुनाव हुए तो सर्वे के मुताबिक अकेले बीजेपी को अपने दम पर सरकार फिर बनाकर दे सकती है। भले नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्ष इंडिया गठबंधन बना ले या तटस्थता के नाम पर अन्य विरोधी दल अलग रह ले, लेकिन कोई भी नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता पर मिलते बीजेपी को वोट और सीट के आगे तीसरी बार भी टिकता नहीं दिखता। यही वजह है कि चुनाव से 8 महीने पहले से नरेंद्र मोदी सरकार की हैट्रिक की बात देश के सामने कहते आ रहे हैं। हमारी सरकार का तीसरा टर्म दूर नहीं है। इस हैट्रिक ने 24 की हैट्रिक की गारंटी दे दी है। कुछ लोग इसे मोदी 3.0 कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि चलेगी तो सिर्फ मोदी की गारंटी, राहुल की गारंटी चलती नहीं दिखती। अब ये मत सोचिए कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी से टक्कर नहीं ले सकती। मैं आपको गारंटी देके कह रहा हूँ 2024 में हम बीजेपी को हरा देंगे। ओ, यानी अपने आप को ढोल बजा रहे 400 आएंगे 5। भाई आपके आने हैं, आपके आने हैं तो ये सब क्यों नहीं कर रहे। बीजेपी को 100 के भीतर सिमटने की भविष्यवाणी करते कांग्रेस अध्यक्ष की पार्टी जरूर तीसरी बार 100 के भीतर ही सिमट सकती है, लेकिन प्रधानमंत्री इस बार जरूर देश के पहले प्रधानमंत्री के रिकॉर्ड की बराबरी कर सकते हैं। देश का मिजाज कहता है कि अगर आज चुनाव हुए तो अब तक जो लगातार 3 बार पीएम पद पर चुने जाने का रिकॉर्ड जवाहरलाल नेहरू के नाम है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम भी हो सकता है। मैं आदरपूर्वक नेहरू जी को इन दिनों ज्यादा याद करता हूँ, क्योंकि हमारे साथियों की अपेक्षा रहती है कि जरा उनको तो बोलो कुछ तो बोल रहा था। हैट्रिक के साथ इतिहास में नए पन्ने खोलते जा रहे नरेंद्र मोदी पर देश का मिजाज सिर्फ इतना ही नहीं है,